टॉयलेट कहाँ है? ये क्या बवाल है भाई? बाथरूम है मैडम। ये बाथरूम है? ये बाथरूम का टूरिस्ट का स्पॉट ज्यादा लग रहा है कि जो चाहे जब मन करे जब आए यहाँ पे हसीन वादियों के दर्शन ले ले। कोई ढंग का दरवाजा है कि नहीं है? कहाँ है ये? दरवाजा है ना मैडम, एक मिनट, अरे दिखाइए ना डेमोन्स्ट्रेशन। मोटोप आदमी, ये दरवाजा है। हाँ, ये दरवाजा गलती से गिर गया ना तो बाहर वाला अंदर वाले का पूरा आत्मा देख लेगा। कोई कायदा कानून का दरवाजा होता नहीं होता है? होता तो है मैडम। कहाँ है वो? अपराधियों से सावधानी बरतनी पड़ती है मैडम। हाँ, अब बताइए, बाथरूम का बहाना करके कोई बंदी यहाँ से खिसक ना ले, इसके लिए हम ये इंतजाम किए हैं ताकि मैडम जो करे सब सामने से दिखता रहे, सब साफ साफ एकदम। और वैसे भी मैडम इस थाने में सब पुरुष लोग हैं, अब दरवाजे की क्या जरूरत है बताइए? हम सामान्य थाना है का, पुरुष कोई महिला पुरुष का भेदभाव नहीं है यहाँ पे, हर चीज सामान्य होनी चाहिए जैसे सभी थाना में होती है, समझ गए? ढंग का दरवाजा कब आएगा? ठीक है मैडम, समझ गए, आपने बोला तो हो गया, बस लगवा देते हैं। छेदी जी काम शुरू करा दीजिए, आज लग जाएगा मैडम दरवाजा। और अभी अभी क्या करें हम? अभी कैसे इस्तेमाल करें ये शाही बाथरूम तुम्हारा? बस इतनी सी बात, मैं हूं ना मैडम। क्या बोले तुम? आप रिलैक्स होकर आराम से अंदर जाइए मैडम, बाहर मैं सब देख लूंगा। फिर तो एक ही तरीका बचा है मैडम। अब का तरीका बचा है? प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। सुनिए, वो आपकी नई SHO करिश्मा जी कहाँ है? यहाँ से अंदर जाइए फिर बाहर। यहाँ से नहीं जा सकते? नहीं, ये अलग वाला बाहर है। अंदर जाके बाहर है ना? हाँ चलो, शुक्रिया, चलो। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। पुष्पा जी, करिश्मा मैडम की आवाज़ है ना? हाँ, लग तो उन्हीं की रही है। करिश्मा मैडम रोमांटिक गाना, वो भी डुएट, एक्शन फिल्म में रोमांस। पुष्पा जी, यही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए सब। देखो, हमारे लल्ला के लिए आज तक कभी भजन भी नहीं गाया इन्होंने, मगर यहाँ आई नहीं कि शुरू हो गई रोमांटिक डुएट गाना गा रही है, वो भी कोरस वालों के साथ। बताओ, जाके पूछते चलो। चलो चलो। करिश्मा मैडम कहाँ है? शी इज बिजी, प्लीज वेट। अरे पुष्पा जी और संतू, क्या बात है, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम आपको याद कर रहे थे। अंदर नहीं संतु, अंदर नहीं, हम वैसे ही याद कर रहे थे। अच्छा एक बात बताइए, क्या था ये? का प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। वही ना, मजबूरी। मजबूरी है पुष्पा जी, दरवाजा देखिए बंद नहीं होता, अंदर से गिर गया ना तो आर पार दिख जाएगा सब, दिक्कत हो जाएगा हमारे लिए पुष्पा जी, इसलिए गाना गाना पड़ रहा था। अच्छा ठीक है, चलिए अंदर बात करते हैं, आइए। नहीं, वो तो ठीक है, मगर एक बात बताइए, अंदर चलिए, सुन तो लीजिए। हाँ पुष्पा जी आइए, बैठिए, फिर हम बात करते हैं आपसे। नहीं, वो हम। हाँ तो कैसा थाना है ये? नहीं, क्या कोई पिक्चर चल रहा है यहाँ पे? काम कीजिए जी। पुष्पा जी कैसे आना हुआ? आपका हालचाल पूछने आए थे हम, देखने आए थे कि आप यहाँ अच्छी तरीके से स्थापित हुई कि नहीं। आते ही कोई भोकाल वोकाल तो नहीं बचा दिया आपने, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? दिमाग खराब कर दिया है। नहीं मैडम, वो पैंट में बहुत धूल है, डस्ट एलर्जी है ना, दिमाग खराब हो जाता है। मैडम वो मैं पूछ रही थी कि आपके यहाँ थाने में तो रॉबरी, मर्डर, एक्सटॉर्शन जैसे केसेस आते होंगे। नहीं मैडम, यहाँ पे आगजनी के, मानहानि के और छीना झपटी के बहुत बड़े बड़े केसेस आते हैं। हम बात कर लें? हाँ कुछ नहीं वो हाँ केस आया औरत के खिलाफ, वो ब्लैकमेल कर रही है अपने बॉस को, ये केस आया। अब मैडम ऐसा सिमिलर केस हमारे थाने में भी आया है जहाँ एक औरत आई है अपने बॉस के खिलाफ कंप्लेन लिखाने। बहुत बढ़िया है, नहीं मतलब सॉल्व करो मैडम सर के हिसाब से ये केस। मीठी चाशनी में डुबो डुबो के इन्वेस्टिगेशन के रसगुल्ले, महिला को भी बांटो, सबको डायबिटीज दे दो, हमें क्या। हम अपने तरीका से ये केस सॉल्व करेंगे और देखना संतू, हसीना मैडम से पहले केस सॉल्व करके दिखाएंगे हम। सोच समझ कर बोला कीजिए करिश्मा जी, बड़ा बोल तो रावण का भी नहीं रहा। एक काम कीजिए, हमारे सर पे आके झाड़िए इसको। वही हम कहे कि हम मैडम सर के बारे में कुछ कह दे और आप ना भड़के, ऐसा कैसा हो सकता है ना संतू। हाँ तो भड़कने वाली बात आप कहेंगे तो हम भड़केंगे ही ना। और आपको किसे पता मैडम सर कितना वक्त लगाएंगे ये केस सुलझाने में, जो आप इतना दावे के साथ कह रही हैं कि आप उनसे पहले केस सुलझा कर दिखाएंगे। क्योंकि हमसे ज्यादा अच्छा मैडम सर को कोई नहीं समझता है, हम उनके रग रग से वाकिफ हैं, हम जानते हैं उनके केस सॉल्व करने के तरीके को। जिसको पकड़ना है ना उसको सीधा सीधा नहीं पकड़ेंगी, वाया वाया घूमते घूमते, सबूत इकट्ठा करते करते, जज्बातों का पूरा फुटेज खा के ना फिर उस तक पहुँचेंगी। और जहाँ तक हमारा दिमाग कह रहा है ना वो अभी भी उसके ऑफिस पहुँच रही होंगी नौकरी हासिल करने के लिए, देख लेना संतू। इतने अच्छे से जानती है आप मैडम सर को, अभी यहाँ आने से पहले मैडम सर उनके ऑफिस ही गई है इंटरव्यू देने। तो और क्या करेंगे, हमारे पास सबूत भी तो नहीं है ना उस आदमी के खिलाफ। अब सबूत तो चाहिए ना गुनेगार के खिलाफ केस फाइल करने के लिए, उसे सजा दिलवाने के लिए। नहीं नहीं, ये आदमी का नाम क्या है और कंपनी का नाम क्या है? आपको केस की अपडेट चाहिए था ना मैडम? जी चाहिए थे। तो आप आराम से रिलैक्स कीजिए, मैं जाता हूँ लेकर आता हूँ। हाँ मैडम हम भी साथ में जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये पहले थाना का हुलिया आप ठीक कीजिए, हम जाते हैं। पुष्पा जी, संतू आपसे बाद में मिलते हैं। हाँ जय हिंद मैडम। जय हिंद। जुगाली वाले भाई साहब आराम से कीजिए ना काम। ठीक है मैडम, आप ख्याल रखना। चलिए पुष्पा जी, कहाँ कोई नहीं है? हाँ हाँ नहीं, बस यही सोच रहे थे कि भगवान करे और मैडम से जिस काम के लिए गई है वो सफल हो और उन्हें नौकरी मिल जाए। चले? हाँ हाँ चलो। So, फातिमा। फातिमा मिर्जा सर। फातिमा मिर्जा सर, इफ यू डोंट माइंड, ये कपड़ा आपने ऐसे क्यों बांध रखा है? वो हमारी बिल्ली कैट, उसने ये। ओहो, लगता है बहुत गुस्से में थी बिल्ली। आप वैसे ये कपड़ा हटा सकते हैं, इतना बुरा भी नहीं लग रहा। आप कह रहे हो तो निकाल देते हैं। हाँ तो आप डिवोर्सिंग? जी सर। कितना टाइम हुआ आपके डिवोर्स को? बस अभी कुछ ही महीने। ओ, आपके एक्स हस्बैंड का नाम? अनुभव कपूर। लव मैरिज राइट? जी सर। सर तो क्या ये नौकरी मुझे मिल सकती है? आई एम सॉरी मिस फातिमा, आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो काफी नहीं है इस पोस्ट के लिए। ओह ठीक है सर, फिर थैंक यू, आई विल टेक योर लीव। आप बट हम आपको ये जॉब दे सकते हैं। ओह कैसे सर? कैसे? हम मालिक हैं यहाँ के, हमारा ऑफिस है ये, हम जो चाहे कर सकते हैं। काम तो आप सीख ही जाएंगी। वैसे फातिमा जी, हम अच्छी तरह से समझते हैं कि अकेली औरत का इस सोसाइटी में सर्वाइव करना कितना डिफिकल्ट है। देखिए सर, हमें नौकरी चाहिए, दया नहीं। दया नहीं दिखा रहे, अपना दर्द बांट रहे हैं। क्योंकि आपका तलाक हुआ और हमारी माँ का भी। बहुत झेला उन्होंने इस सोसाइटी को। हम आपका दर्द समझ सकते हैं। वो लड़ती रही लेकिन जीती। आज हम जो कुछ भी हैं हमारी मां की वजह से, इसलिए अपनी मां का नाम हमारे साथ लिखते हैं, सुंदर सरस्वती पाल। वाव सर, व्हाट एन इमोशनल स्टोरी। हम आपके लिए कुछ कर पाए तो हमें लगेगा कि हम अपनी मां के लिए कर रहे हैं। इसलिए प्लीज आप ये नौकरी ले लीजिए। ठीक है सर, अगर आप इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं तो मैं ये नौकरी कर लेती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन फातिमा जी। थैंक यू सर। ओ, करिश्मा जी आइए आइए, वेलकम। नहीं, हम बस वो पूछने आए थे, वो डॉली शर्मा, उसने जो आपके खिलाफ कंप्लेंट किया था, उसने कोई कानूनी एक्शन लिया, कोई लीगल नोटिस? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हमें लगता भी नहीं ऐसा कुछ होगा। भाई उन्हें पता लग गया होगा कि ये केस आपके हाथ में है, और इस शहर में कौन नहीं जानता करिश्मा सिंह के भौकाल को। ये हमारा गुड लक है और उनका बैड लक है कि केस आपके हाथ में। वैसे आप सही मौके पे आई हैं। हमने आज डॉली की रिप्लेसमेंट इनको रखा है, फातिमा मिर्जा जी को। ये हमारी नई चीफ प्रूफ एडिटर है, मिलिए आप इनसे। हेलो मैम। फातिमा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपसे भी करिश्मा सिंह जी। मैडम सर, आप समझ काहे नहीं रही है, ये डॉली शर्मा झूठ बोल रही हैं, झूठा कहानी बना बना के ना आपका फायदा उठा रही हैं। वो बेचारे पाल, उसको ब्लैकमेल कर रही हैं। करिश्मा सिंह, बात आप नहीं समझ रही हैं। झूठ ये नहीं, झूठ वो पाल बोल रहा है। वो इन पर ब्लैकमेल का केस लगाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो एक घटिया आदमी है, वैसा घटिया आदमी जो सोचता है कि हर अकेली बेसहारा औरत एक तिजोरी है, एक मौका है जिसे लूटना उसका बुनियादी अधिकार है, और ऐसे लोगों की सही जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में होती है। हमको यकीन नहीं हो रहा है कि आप जैसा इतना समझदार, सुलझा हुआ और तजुर्बेदार ऑफिसर ऐसा बात कर रहा है। नहीं, हम महिला पुलिस अधिकारी होने का मतलब ये नहीं है कि हम वो शपथ भूल जाएंगे जो हमने वर्दी पहनते वक्त लिया था कि हम पूरे अपने मन, धर्म और कर्म से बिना किसी जाति, बिना किसी जेंडर में भेदभाव किए, बिना कोई पक्षपात किए जो भी कानून की शरण में आएगा उसको सामान्य रूप से इंसाफ दिलाएंगे। कितने अफसोस की बात है करिश्मा सिंह, हमारे साथ इतना वक्त बिताने के बावजूद भी आप हमें समझ नहीं पाए। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ सच मायने रखता है, उसका जेंडर नहीं। अरे करिश्मा जी, जहीर मैडम, आप कब आई और कैसे हैं आप? जय हिंद पुष्पा जी, हम आए हैं, बताते हैं हम कब आए। मैडम से कुछ बात चल रहा है हमारे। हाँ मैडम सर, हम ये कह रहे हैं कि जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, पूरा उल्टा पिक्चर चल रहा है। ये ना जाल में फंसा रही है उसको, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है, हम आपको बता रहे हैं। आप डॉली शर्मा को जानती हैं? हम जानते हैं पुष्पा जी, हम बाद में बताते हैं कैसे जानते हैं, बात करें। अरे करिश्मा मैडम, जय मैडम, कब आई आप और कैसी हैं आप? हाँ ठीक है, हम बताते हैं हम कैसे, हम कुछ बात कर रहे हैं मैडम। हाँ, हाँ। हाँ तो मैडम सर, हम ये कह रहे हैं कि डॉली शर्मा जी, जय हिंद, आप कब आई और कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं हम, बहुत बढ़िया है, हमारा जिंदगी चौकस चल रहा है, हमारे फेफड़े सही चल रहे हैं, हमारी सांसें सही चल रही है, गोलगप्पे फैल रहे हैं, बिरयानी फैल रहे हैं, सब खा रहे हैं हम, इतना अच्छा चल रहा है। हमारा मन तो कर रहा है कि हम अपने आप पे बुक लिख दें कि कैसी हैं आप, और उसमें अगर कोई कमी रह जाएगा ना थोड़ा बहुत तो स्पीकर लेके निकलेंगे, पूरे शहर को बताएंगे कि कैसे हैं हम, अच्छे हैं आप। समझ में आ गया सबको? सॉरी। पाल ने करिश्मा सिंह के थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। उसका ऐसा कहना है कि उसने डॉली को प्रमोशन नहीं दिया, इस बात का बदला लेने के लिए वो उस पर झूठा केस लगा रही है, और अब वो चाहता है कि करिश्मा सिंह उसे उस झूठे केस से बचाए। झूठा तो वो है, एक नंबर का कमीना, इंसानी मांस नोचने वाला आदमखोर गिद्ध, एक अकेली औरत देखी नहीं कि टूट पड़ा। और ये पुष्पा जी, ये कैसे कह रही है आप इतने यकीन से? अच्छा हाँ, मैडम सर ने कहा होगा ना इसलिए आप कह रही है। जूनियर तो सीनियर का बात मानेगा ही ना। क्या है ना कि हमको अभी ये चिकनी चुपड़ी बातें और ये चापलूसी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम किसी के जूनियर नहीं रहे, इसलिए किसी का जायज, किसी का नाजायज फैसला हमको मानने का जरूरत नहीं है हर बार। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप करिश्मा सिंह, आप किसी की अब जूनियर नहीं है, आपको किसी की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। थाना आपका, केस आपका, डिसीजन आपका। हम कौन होते हैं अपनी कोई भी जायज या नाजायज बात को मजबूरन आपसे मनवाने वाले? आप वही कीजिए जो आपको सही लगता है। अब आप बंद करो ये ड्रिंकिंग और बतियाने तो बाहर जाके बतियाओ और ये चेंज करो अपना रिंगटोन, हमारा खोपड़ी घूम रहा है इससे। रुको डॉली, फोन यही कनेक्ट करो और स्पीकर पे रखो। हेलो हेलो डॉली जी। कौन? अरे पहचाना नहीं, मैं केशव। ऑफिस में मैं आपके डेस्क के राइट साइड वाली 5th टेबल, सेल्स डिपार्टमेंट। ऑफिस में सब रणवीर सिंह का डुप्लीकेट बुलाते हैं, रिमेम्बर। कड़क मूछ। रणवीर सिंह को मूछ कब थी? अरे रणबीर कपूर के बारे में बतिया रहा होगा वो। नहीं नहीं, रणबीर तो कपूर है ना। अरे रणबीर सिंह भी है उधर। अरे मगर रणबीर सिंह मुझे रखता है, रणबीर कपूर का मुझे करके एकदम। सॉरी मैडम। कहिए कैसे फोन किया? बहुत गलत हुआ है आपके साथ, बहुत गलत किया पाल सर ने आपको नौकरी से निकाल कर। पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं दिलाऊंगा ना आपको नई जॉब, इससे भी अच्छी। बहुत ऊपर तक कनेक्शन है मेरे। आज रात मेरे घर आ जाइए, बाकी बातें वहीं डिस्कस कर लेंगे। रोशनी माय वाइफ शहर से बाहर गई हुई है कुछ दिनों के लिए, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। क्या कहती है? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अब देखिए, ज्यादा नाटक करने की जरूरत तो है नहीं, आपको सारा ऑफिस जानता है कि किस टाइप की लेडी है आप, इसलिए दिया ना आपके पति ने आपको तलाक। देखिए इतने लोगों से अफेयर चल रहे हैं आपके। एक हमारे साथ भी सही, आ जाओ रात को घर, लाइफ बना दूंगा। लाइफ तो बेटा तुम तब बनाओगे ना जब लाइफ बनाने के लिए बचोगे। कौन? तुम्हारी अम्मा बोल रहे हैं। शुक्र मनाओ तुम हमारे सामने नहीं होगी, हमारे सामने होते ऐसा तोड़ देना तुमको। आ रहे हो या जा रहे हो किसी को समझ में नहीं आता, और जब भी मुंह खोलते एक ही बात बोलते, दरोगा जी देखी तो बहुत पकड़, तुमसा ना देखी। सच की यही खासियत होती है करिश्मा सिंह, बेजुबान होता है लेकिन जब भी बोलता है सर चढ़कर बोलता है। हमें नहीं लगता कि हमें आपको और कुछ भी समझाने की जरूरत है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन निर्दोष है और कौन गुनेगार, ये आप अच्छे से जानती हैं। सारा सच आपके सामने है। चलिए मैडम सर, मान लिया कि डॉली के साथ जो हुआ है वो एकदम गलत हुआ है, फिर भी आपके पास क्या सबूत है ये साबित करने के लिए कि इसके पीछे किया धरा सब पाल का है? मिल जाएगा सबूत, भी बहुत जल्द मिल जाएगा, क्योंकि हमें पाल के ऑफिस में जॉब मिल गई है। फिर वही लखनऊ वाया कानपुर। मैडम सर जब अपराध सामने है, अपराधी सामने है, तो आप पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काट के काहे उसको पकड़ रही है? जाइए पकड़िए, धोइए, निचोड़िए, उसको सुखाइए, पूरा इन्वेस्टिगेशन ड्राई क्लीन होकर निकलेगा। क्या है ना करिश्मा सिंह कि ये हमारा केस है तो सॉल्व तो हमारे तरीके से ही होगा। वैसे देखा जाए तो आप कुछ नहीं कर सकती मैडम, क्योंकि ये केस हमारे यहाँ थाने में दर्ज हुआ है, इसलिए पाल के खिलाफ जो भी कानूनन कार्यवाही करनी है उसके अधिकार मैडम सर के पास है। तो ये केस मैडम सर को सुलझाने दीजिए, आप जाके अपना थाना संभाल लीजिए। ये केस आपके तरीके से नहीं सुलझ पाएगा। नहीं सुलझ पाएगा, नहीं सुलझ पाएगा, नहीं आप बोले आप नहीं सुलझ पाएगा। मैडम सर बचाइए हमें इनसे। सुलझेगा, डंके की चोट पे सुलझेगा। अगर डॉली तुम अपना केस वापस लेती हो तो। अम्मा हाँ, हमें यहाँ से अपना केस को खारिज कर दो और हमारे जानकीपुरम में केस दर्ज कर दो। हम तुमको वादा करते हैं तुम्हारे 10 गिनने से पहले पहले ना उस पाल का हाल बेहाल कर देंगे। अरे ये क्या कर रही हैं आप हमारे सामने हमारे थाने के वादी को फुसलाकर अपने यहाँ लेके जा रही हैं ना। पिज्जा मिल जाएगा 5 मिनट में, और इंसाफ है ना उसको बरसों लग जाते हैं मिलते मिलते। लाइन में लगकर इंसाफ लेने का जो टाइम था ना वो निकल चुका है पुष्पा जी। सबको ऐसा ऐसा इंस्टेंट इंसाफ चाहिए, एक क्लिक में, एटीएम जैसा ताबड़तोड़। वही बात कर रहे हैं हम, समझ रहे हो तुम डॉली? तुम हमारे पास आओ, हम तुमको इंसाफ दिलाएंगे, तुम्हारा नौकरी वापस मिलेगा, वो जो पाल है ना, उसको उसका सजा मिलेगा, हम बता रहे हैं तुमको। तो क्या सोच रही हो फिर तुम, यहाँ या वहाँ? नहीं नहीं, सोचना भी मत। देखो क्या है ना, ये करिश्मा मैडम जो है ना, वो सिर्फ पत्ते छाटती है, मगर समस्या की जड़ का इलाज जो है ना, वो मैडम सर करती है। और सही मायने में तुम्हें तुम्हारा अधिकार और स्वाभिमान सिर्फ मैडम सर ही दिला सकती है, याद रखना। बस कीजिए आप लोग। नहीं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हमने थाना खोल रखा है कि हम कोई कंपटीशन चला रहे हैं? डॉली यहाँ आओ, हमारी बात ध्यान से सुनो। ये तुम्हारा डिसीजन है, किसी की बातों में इन्फ्लुएंस होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ से एफआईआर वापस लेना चाहती हो तो प्लीज डू दैट, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। देखो, एक चीज की गारंटी हम ले सकते हैं कि हम हो या करिश्मा सिंह, दोनों ही इस केस को सॉल्व करने में इक्वली एफिशिएंट है। इंसाफ तुम्हें जरूर मिलेगा, इसलिए कुछ मत सोचो, किसी की बातों में ना आते हुए सिर्फ अपने दिल की सुनो। ये फैसला तुम्हारा है, हम या करिश्मा सिंह। आपने कहा ये फैसला पूरी तरह से मेरा होना चाहिए, मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए। हाँ बिल्कुल, सुन ली मैंने। इस केस को आप ही हैंडल कीजिए। नहीं जानती ऐसा क्यों है, पर आप में कुछ तो है जिसकी वजह से आप पर भरोसा करने को जी चाहता है। अब हारे या जीते, ये लड़ाई तो आप ही को लड़नी है मेरे लिए। आई ट्रस्ट यू मैम। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। वो कहते हैं ना, बेल कितनी भी ऊंची क्यों ना हो जाए, जड़ के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए आप कितनी भी तरक्की कर ले, कुछ भी बन जाए, मैडम सर बनने के लिए अभी आपको बहुत धूप छांव देखनी बाकी है। और शायद देख भी लें तभी भी आप मैडम सर की तरह नहीं बन सकती, क्योंकि मैडम सर तो बस एक ही है। करिश्मा सिंह, आई एम सॉरी, हमें नहीं लग। जय हिंद मैडम सर।